हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा मेहता एक बहुत ही कंसर्न्ड विषय आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, एडिक्शन का, लत लगने का। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शुरू तो फन से होती है, शायद हम इसको शौकिया तौर पे शुरू करते हैं, लेकिन धीरे 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 ये हमें खुद को खाने लग जाता है, हमारे परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस बिगड़ने लगता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, झगड़े होने लगते हैं। वो परिवार वाले लोग जो मुझे कितना प्यार पहले देते थे, अब वो धीरे 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 मुझसे लड़ने लगते हैं। मैं खुद टूट जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, लेकिन मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। ऐसे ही आपके परिवार वाले हैं जो ये फील कर रहे हैं कि आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी, आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। तो आज मैं आपकी मदद करूंगी कि कैसे आप ड्रग एडिक्शन से, अल्कोहल एडिक्शन से या सब्सटेंस अब्यूज के एडिक्शन से कैसे अपने आप को खींच के बाहर ला सकते हैं, या कैसे आप अपने परिवार वालों की मदद कर सकते हैं कि वो इस लत को छोड़ दें। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम ऐसी बहुत सारे कंसर्न विषय पर आपके पास आ सके, मिल सके, बात कर सके और आपको ऐसे इफेक्टिव टिप्स दे सके जिससे आप अपने ऐसे एडिक्शन को दूर कर सके। तो चलिए बात करते हैं एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन या लत लगना शुरू तो होता है फन से, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी। कभी भी हमारे पास कोई बहुत मेजर कारण नहीं होता है इस पे जाने का। कारण की अगर मैं बात करूं तो कभी कभार शायद लाइफ में फेलियर होना, डिप्राइव होना, जो हमें कहीं ना कहीं एक शौकिया तौर पे या अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम अल्कोहल सब्सटेंस या ड्रिंकिंग या टोबैको, जैसे हम सिगरेट कहते हैं, उसके एडिक्शन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम इसे अब वापस छोड़ना चाह रहे हैं तो ये अब हमारा हाथ इतनी जोर से पकड़ लेती है कि हमें छोड़ने नहीं देती, और ये हाथ पकड़ते पकड़ते हमारी गर्दन तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारे बैलेंस हिल जाते हैं। वो परिवार वाले जो तब पहले मेरे साथ थे, मेरे को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते थे, अब वही परिवार वाले शायद मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो मुझसे लड़ते हैं, मैं उनसे लड़ता हूँ, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते और मैं बार बार इस कुएं जैसे सर्कल में घुसता जा रहा हूं और इतना डीप चला गया हूं कि बाहर आने का जरिया नजर नहीं आ रहा है। तो आप कैसे इन टिप्स को फॉलो करके उससे बाहर आ सकते हैं, तो सुने। सबसे पहली टिप है डिटर्मिनेशन। देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो खुद की डिटर्मिनेशन से, बिना किसी दवाइयों पे पड़े डिटर्मिनेशन से बाहर आ जाते हैं। अगर मैं सबसे पहले एक्सेप्ट करके कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मेरे परिवार वाले जेन्युइनली इससे लड़ रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस से आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। डिटरमाइन करिए, थोड़ी सी कोशिश करिए, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, 7 दिन के शेड्यूल से शुरू कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन में आज 2-3 घंटा अपने आप को एडिक्शन से दूर रख पाते हैं, फिर आधा दिन करिए, फिर आधे से ज्यादा दिन करिए, फिर रात का समय करिए, धीरे 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 इस प्रॉब्लम से कट ऑफ करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि वो सीधा मैं बोलूंगी तो वो कल से नहीं पिएंगे, या मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल से नहीं पीऊंगी, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इससे पहले कि जहां मैं डिटर्मिनेशन की बात कर रही थी, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप अकेले डिटर्मिन करते हैं तो हो सकता है लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल हो, तो कोशिश करें अपने परिवार वालों के साथ खुद मिलकर हेल्प लेकर डिटर्मिनेशन के साथ इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करें। टिप नंबर 2, देखिए, सोशल सर्कल आपको बढ़ाना पड़ेगा। जहां आपने अल्कोहल के चलते कुछ ऐसे दोस्त बनाए हैं जो सिर्फ दारू की बात करते हैं, या मिलते हैं तो पार्टी करने की बात करते हैं, स्मोकिंग करने की बात करते हैं, या हशीश, गांजा या कोई भी ऐसा सब्सटेंस अब्यूज की बात करते हैं, तो थोड़ा सा सोशल सर्कल से बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों के पास जाइए, स्कूल फ्रेंड्स के पास जाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास जाइए, जो आपसे बात करते हुए इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आप कैसे अपनी सोशल लाइफ, अपना बिजनेस, अपना इमोशनल बैलेंस वापस ला सकते हैं। हो सकता है कि जब आप उन्हें ये बताएं कि यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो हो सकता है वो आपको ये बोलें कि यार तुझसे नहीं होगा, तू हमेशा ऐसे बोलता है। तो कोशिश करें ऐसे फ्रेंड से बात करें जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। 1-2 बार हर कोई गिरता है, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है, अपने गोल तक पहुँचना है और ऐसे फ्रेंड से शेयर करना है जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहें। ऐसा कभी भी डरना नहीं है कि मैं हंसी का पात्र शायद बन रहा हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 कहता है कि अगर आपको अपने एडिक्शन से ओवरकम करना है, तो अपने फियर से लड़िए सबसे पहले। कभी कभार सिर्फ हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमने लोगों से सुना होता है कि इससे निकलना आसान नहीं है, शायद हमने ये सुना होता है कि ये इतना आसान नहीं है, शायद हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर चल रहा होता है कि यार ये नहीं छूटा तो क्या होगा, एटलीस्ट कहीं ना कहीं मैं इमोशनली तो इसे स्टेबल कर सकता हूँ। देखिए, ये बहुत कॉमन है कि आप किसी भी एडिक्शन को छोड़ेंगे तो आपके पास विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, जिसे बोलते हैं छोड़ने के बाद की थोड़े थोड़े लक्षण या चेंज, जैसे हाथ कपकपाना
या किसी भी तरह की घबराहट होना बहुत कॉमन है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो 21 दिन के अंदर अंदर आप अपने एडिक्शन से निकल सकते हैं। अब बात करती हूँ टिप नंबर 5 की, जो मोस्टली एडिक्शन सेंटर्स भी अप्लाई करते हैं, जिसे हम कहते हैं चेंज योर लाइफस्टाइल। जितने भी एडिक्शन सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे ही अपने क्लाइंट को अंदर लेते हैं तो उसको इतना प्री ऑक्यूपाइड रखते हैं, इतना ऑक्यूपाइड रखते हैं कि उसका ध्यान ही नहीं जाता है, उसको नशे की लत से धीरे धीरे वो अपने आप निकल जाता है। ये कोर्स यूजली 30 दिन का होता है, मतलब 21 दिन अगर आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो 21वें दिन वो लर्निंग अपने आप एस्टैब्लिश हो जाती है। तो कोशिश करेंगे कि 21 दिन तक अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करेंगे, अपनी डाइट मॉनिटर करेंगे। जितना ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को ऑक्यूपाइड रखेंगे, जितना ज़्यादा आप सिगरेट स्मोकिंग या हब्सान से दूर रखेंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़े दिन के लिए विड्रॉल सिम्टम्स आए, लेकिन धीरे 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 आपकी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होगी, आपका वेट, आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी और आप अपने एडिक्शन से निकल जाएंगे। टिप नंबर 5, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने एडिक्शन से निकलना चाहते हैं और निकल सकते हैं तो करेजियस रहें। यूजली हम 1 और 2 दिन तो अपनी एनर्जी को बहुत स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे 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 1 से 2 से 3 से शुरू करते हैं और फिर आपकी लत वापस आ जाती है, और इस बार जब वापस आएगी तो और जोश से आएगी। तो कोशिश करें, मैं फिर से बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने कल से शुरू किया तो एकदम से खत्म हो जाएगी, धीरे 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 अपने कट ऑफ लगाना है। अगर आपको लगता है कि आप पूरे दिन में 10 सिगरेट लेते हैं या 3 से 4 बार लेते हैं तो कोशिश करें उसको 3 करें 2 करें 1 करें 0 करें, स्टेप बाय स्टेप आप एडिक्शन से निकलेंगे तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स भी कम लगेंगे, आपको धीरे 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 अपने आप पावर आएगा, अपने आप करेज आएगा कि आप बाहर निकलेंगे। टिप नंबर 6, देखिए जब तक आप सपोर्टिव नहीं रहेंगे, लाइफ में कोई भी काम है, कोई भी लर्निंग है, कोई भी फेलियर है, उससे निकलने के लिए जब तक आप किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, यही मैं चाह रही हूँ कि अगर आप खुद से उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगी, फैमिली मेंबर बनके उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगी, हो सकता है उन्होंने पहले कभी कोशिश की हो लेकिन अब फिर से शुरू कर रहे हैं तो दोबारा से सपोर्ट करें, दोबारा से उनके आसपास रहें ताकि ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग रहे कि वो धीरे धीरे फिर से छोड़ दें। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं एडिक्शन के जो एक बार कर लेते हैं लेकिन दूसरी बार जब दोबारा से एडिक्शन पर जाते हैं तो कोई ना कोई फिजिकल सिम्टम, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हुई होती है। तो कोशिश करें उस प्रॉब्लम के लिए दोबारा से जंप ऑन मतलब ना करें एडिक्शन पे, कोई ना कोई और मेथड, थेरेपिस्ट से बात करें, डी एडिक्शन सेंटर्स जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सुसाइड तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बहुत सारे और वेज हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिस पे आप कॉल करके अपनी हेल्प ले सकते हैं, थेरेपिस्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी पावर, मेडिकेशंस के थ्रू आप इसे निकल सकते हैं। जो मैं मेडिकेशंस की बात कर रही हूँ ये वो मेडिकेशंस हैं जो आपको लेस पोटेंट ड्रग पे ला देंगी। अगर आप इस समय कैफीन ले रहे हैं जो बहुत हाई लेवल का पोटेंट ड्रग है, या आप इस समय अल्कोहल ले रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उससे लेस पोटेंट ड्रग पे आ जाइए। कुछ ऐसी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जो आपके इस एडिक्शन के स्किल को थोड़ा सा कम करती हैं, थोड़ा कम से फिर और कम करती हैं और धीरे धीरे आप एडिक्शन से बाहर निकल जाते हैं। तो आप हेल्प ले सकते हैं साइकेट्रिस्ट की, डी एडिक्शन सेंटर्स की, काउंसलर्स की, थेरेपिस्ट की। ये बहुत आसान जर्नी है, इतनी मुश्किल नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते। थोड़ा सा इनकरेजमेंट, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस और बहुत सारा सपोर्ट, सिर्फ इसी की ज़रूरत है। अब आपने मुझे भी सपोर्ट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं, आप एडिक्शन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, किसी को एडिक्शन से बाहर निकालना चाहते हैं नेचुरल वे में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी हैं, नीचे आप क्लिक करेंगे तो मेरा फ़ोन नंबर, पर्सनल नंबर सब शेयर है। प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपने आस पास अपने आप वालों को एक्टिव स्मोकिंग एडिक्शन या अल्कोहल से रिमूव करिए।